जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताएं है। मम्मा का अलौकिक नाम राधे था, लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाती। सेकंड पॉइंट, कभी कुछ भी बात हो जाए, ग्रामर का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। सब हम सबको भी सदा नवीन युग का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना दे। कुछ भी नया नहीं, मम्मा के चेहरे पर कभी फिकर की चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ हो तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी, मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। मम्मा को बाबा ने कहा, तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना, गुण देखना, गुणदान करना है, यह तीन बातों में मम्मा पक्की रही। इसलिए उनकी उम्र भर कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूर्त मम्मा सबसे नंबर वन सही है। भले उम्र में छोटी थी लेकिन गुणों में धारणाओं में इतनी आगे निकल गई, जो छोटे बड़े सभी प्यार से क्या कहने लगे। कहते बड़े तो बड़े छोटे अंदा बन जाते। क्लास में हाजिर रहना ये भी बाबा का फरमानदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना। रेगुलर तो है लेकिन पंक्चुअल नहीं बनना, जरा भी ऊपर नीचे ना हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का लोग कभी मिस ना हो, जिसको बाबा ने कहा गफलत ना करो। जिसे ओना होता है वो कभी गफलत नहीं करता। जिसे फिक्र होती है कि हमें कुछ प्राप्ति करनी है, कुछ बनना है, कुछ करना है, वो कभी गफलत नहीं करेगा। बाबा कहते तो ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं थी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती, जितना जरूरी है उतना बोला और फिर मीठी मीठी बातें, मीठी शिक्षाएं, धारणाएं, विशेषताएं और आज